और चलिए विस्तार से बाजार की चाल पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी है और कमोडिटी बाजार पर अपनी राय रखेंगी आज मुनाक नेटवर्थ कैपिटल की कमोडिटी और करेंसी रिसर्च हेड रेनिशा चन्नानी। आप दोनों का ही स्वागत है। मयूरेश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। तो बाजार में हमने जो आज तेजी देखी है, आप उसे प्री इलेक्शन रैली कह सकते हैं? इवनिंग कविता, बिल्कुल कह सकते हैं। और आई थिंक जो एक ड्यूअल उम्मीद उभर के आई है बाजार में, शायद एनडीए सरकार वापस आ सकती है, और दूसरा आई थिंक जो ग्लोबल संकेतों की अपनी बात की, वहां पे जो ईज हो सकते हैं कंसर्न, यूएस चाइना ट्रेड वॉर्स रिलेटेड हो या कच्चे तेल को लेके हो, मुझे लगता है आई थिंक ये सारे बातें आई थिंक बाजार को अच्छी लगी है। और एक ब्रॉडर बेस रैली थी, तो आई थिंक एक मार्केट जो रेंज में था 10,600 से 11,000, हम 11,000 के टॉप एंड के रेंज में काफी करीब है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहता है तो शायद आई थिंक मार्केट्स का पॉजिटिव क्यूज अगले कुछ हफ्तों के लिए बरकरार रह सकता है। और राइट, आगे चल के और भी क्यूज है जो आपसे समझ में है हमें, लेकिन मैं यहाँ पर आऊंगी अब सीधा कमोडिटी की ओर। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं मयूरेश की ओर। मयूरेश, रुपए में मजबूती हमने देखी जिसकी वजह से आईटी आज काफी हद तक पस्त रहे हैं लगातार। जैसे रनीशा ने बताया कि 70 तक हम रुपए की मजबूती देख सकते हैं, अब ऐसे में आईटी में आपकी क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, आई थिंक जो रुपी में एक अप्रिसिएशन देखा है हल्का सा, आई थिंक उससे आई थिंक एक सेंटिमेंटल प्रभाव बिल्कुल आईटी शेयरों पे पड़ता है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही हैं, जैसे परफॉर्मेंस रहा है, ऑर्डर विंस जैसे रही है, जो डिजिटल परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज बढ़ते जा रहा है, और जैसे एग्जीक्यूशन है, मुझे लगता है यूटिलाइजेशन लेवल बिल्कुल बढ़ सकती है और अट्रीशन लेवल कम हो सकता है। अलॉन्ग विद आई थिंक डिजिटलाइज पार्ट ऑफ रेवेन्यूज विच इज इंक्रीजिंग, इबिटा मार्जिन पे भी आई थिंक प्रभाव अच्छा पड़ सकता है। आउटसाइड रिस्क यही है जो हम स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, उसके वजह से शायद डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ी कम हो सकती है, बट इनके पास ऑर्डर बुक्स भी काफी तगड़े हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो क्वालिटेटिव स्टॉक्स है, स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस किसके पास हो, तो बिल्कुल रखने चाहिए। मिड कैप क्षेत्र में मेरे हिसाब से एनआईटी टेक्नोलॉजीज और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर इज समथिंग पीपल कैन होल्ड ऑन। और राइट, लेकिन अब क्योंकि हम लोग प्री इलेक्शन रैली की बात कर रहे थे शुरुआत में मयूरेश, ऐसे में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी किसी पॉकेट में आपको दिखाई दे रही है या काफी अलर्ट और कॉशियस अप्रोच आपको अपनानी चाहिए? नहीं, देखिए वॉलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है, सो आई थिंक जो हम इलेक्शन रैली की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लीनियर रैली, कहीं ना कहीं आई थिंक डिस्ट्रप्शन भी हो सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक फाइनेंशियल स्पेसिफिकली आई थिंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। जो चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पे मुझे लगता है एक बॉटम आउट प्रोसेस हो गया है, विच आर वेल कैपिटलाइज आज की तारीख में, जहां पे आई थिंक कासा रेशो काफी एडवोकेट है, और ये बैंक्स आई थिंक टॉप टीयर बैंक्स में ही आपको मिलेंगे। दूसरा आई थिंक एनबीएफसी यूनिवर्स में थोड़ा सिलेक्टिव रहूंगा, लेकिन आई थिंक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज जो आज अच्छी मूव दी है मार्केट में वो भी अच्छे लग रहे हैं। और जो कंजम्पशन बास्केट है, मुझे लगता है सिक्लिकैलिटी के हिसाब से आई थिंक चुनिंदा पेपर स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं, एंड इवन सम स्टॉक्स विद इन दी होटल स्पेस। तो मुझे लगता है आई थिंक वाइडर कंजम्पशन स्पेस, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, चुनिंदा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, आई थिंक ये पॉकेट्स अच्छा अर्निंग्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। ग्लोबल ट्रिगर्स में आपकी नजर अब कहां है मयूरेश? दो तीन अहम चीजें, एक आई थिंक यूएस चाइना ट्रेड टैरिफ्स पे आई थिंक क्या निकल के आते हैं बहुत अहम मुद्दा होगा। दूसरा ऑब्वियसली आई थिंक जो ईसीबी की बैठक है और जो नॉन फार्म पेरोल, जैसे रनीशा बता रही थी, आई थिंक एक अहम डेटा पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के नजरिए से। तीसरा आई थिंक ऑब्वियसली आई थिंक द ब्रेक्सिट वोट इटसेल्फ, तो कैसे वोट पैन आउट होता है आई थिंक ये बहुत अहम रहेगा मार्केट्स के लिए, यूरो के लिए, और यूरो के लिए तो यूएसडी अफेक्ट होता है और इमर्जिंग करेंसीज अफेक्ट होती है। तो शायद ये तीन बड़े फैक्टर्स में वॉच करूंगा। क्या ऑटो क्षेत्र में फिलहाल आपको लगता है कि कहीं पर हम खरीदारी कर सकते हैं, कुछ इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से? तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक स्लोडाउन हम विटनेस कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद थोड़े हफ्ते या महीनों तक बरकरार रहेगा। जो इन्वेंटरी बिल्ट हुई है सिस्टम में उसको डिस्पोज करने के लिए आई थिंक ऑटो कंपनीज, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, एमएससीबी प्लेयर्स हो, दे हैव टू रिजॉर्ट टू डिस्काउंटिंग। दूसरा आई थिंक जो कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी है उसकी वजह से आई थिंक प्राइस इंक्रीजेस कुछ वेरियंट्स पे बिल्कुल ली है, बट कहीं कहीं एंट्री वेरियंट्स पे, जैसे हम टू व्हीलर्स की बात करें, वहां पे थोड़े प्राइस कट्स भी लेने पड़ रहे हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ी थी, अभी स्टेबिलाइज हुई है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक BS6 की जो प्री बाइंग आएगी सेकंड हाफ में यह अहम होगी। तो आई थिंक ग्रेजुअल रिकवरी में बिल्कुल देख रहा हूं, सो विद इन दिस पीयर इटसेल्फ मुझे लगता है जो टू व्हीलर स्पेस है ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसमें आइशर मोटर, जीरो मोटोकॉप मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म पे ये क्षेत्र के बिल्कुल रह सकते हैं। और राइट, चलिए
ऑल राइट मयूरेश, आपकी आज की वैल्यू पिक कौन सी है और क्यों आपने इसे वैल्यू पिक के तौर पर चुना है ये बताएं। कविता, आज की वैल्यू पिक है फिनोलेक्स केबल्स। अभी केबल इंडस्ट्री आई थिंक काफी दिक्कतों से गुजर रही थी पिछले कुछ क्वार्टर्स तक, क्योंकि इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ चुके थे, डिमांड बिल्कुल नहीं थी, जिसकी वजह से रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं आ रही थी और वो नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अभी फिनोलेक्स केबल की जो दो मेन बिजनेस डिविजन है वो है इलेक्ट्रिकल केबल्स और कम्युनिकेशन केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल यूजेस और जो गवर्नमेंट टेंडरिंग होती है लाइटिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए। जो कम्युनिकेशन केबल्स है आई थिंक वहां पे ऑर्डरिंग आती है बीएसएनएल बीवीएनएल से, जो टेंडरिंग होती है फाइबर ऑप्टिक लेआउट के लिए। अभी कहीं ना कहीं आई थिंक पिछले तिमाही के अगर आप नतीजे देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल केबल में जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है वो काफी इंकरेजिंग रही थी, लेकिन जो कम्युनिकेशन केबल की वॉल्यूम ग्रोथ थी वहां पे हमने थोड़ी अटकलें जरूर देखी थी, क्योंकि टेंडरिंग बीएसएनएल या बीबीएनएल से शायद आई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम पिकअप है स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन केबल सेगमेंट से ये स्टार्ट होना चाहिए वंस आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आर ओवर और इलेक्शन का माहौल खत्म होता है। जैसे ऑर्डरिंग स्टार्ट हो जाएगी मुझे लगता है आई थिंक जो हाई मार्जिन सेगमेंट है आई थिंक दैट शुड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फिलहाल आई थिंक जो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा है हमने वो इलेक्ट्रिकल केबल सेगमेंट से देखा है, तो वहां पे आई थिंक जो 14% की इबिट्टा मार्जिन है ये काफी एनकरेजिंग है। कम्युनिकेशन सेगमेंट में जैसे मैं कह रहा हूं आई थिंक 14.5% की मार्जिन शुड स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट एज वॉल्यूम एक्टिविटी स्टार्ट पिकिंग अप। इसलिए मेरे अनुमान में आई थिंक जो इबिट्टा मार्जिन है ये 14.5 से 15% के बीच में स्टेबिलाइज होनी चाहिए एंड इंप्रूव ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जहां तक वॉल्यूम्स का सवाल रहा, जैसे मैं कह रहा था इलेक्ट्रिकल केबल्स की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी होगी, कम्युनिकेशन केबल्स शुड स्टार्ट शोइंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ, जिसकी वजह से जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड रियलाइजेशन ग्रोथ है ये काफी तगड़ी रहनी चाहिए अगले कुछ क्वार्टर्स में। जो कॉपर की हमने प्राइस इंक्रीजेस देखी थी वहां पे एक पास थ्रू इफेक्ट होता है, इसलिए आई थिंक इबिट्टा मार्जिन्स पे इतना प्रभाव नहीं आता। चौथा आई थिंक जो रूड़की की फैसिलिटी थी उसमें जो टैक्स एग्जेम्पशन थे वो कम हो गए थे, बट द मार्केट हैज प्रॉब्ली एस्टिमेटेड दैट एज सीन इन द पास्ट क्वार्टर्स रिजल्ट्स। अभी अगर फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ काफी मुमकिन है, इबिट्टा मार्जिन जैसे मैं कह रहा हूं 14.5% के आसपास रहने चाहिए। ये डेट फ्री कंपनी है इसलिए आई थिंक इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होती है या यूटिलाइजेशन आई थिंक ये सीधा ट्रिकल थ्रू करती है बॉटम लाइन पे, तो जैसे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर बढ़ेगा आई थिंक एक इंक्रीमेंटल अर्निंग्स ग्रोथ एफआई 2021 में काफी तगड़ी हो सकती है। एफआई 18 की जो ईपीएस थी वो 23.5 रुपए के आसपास थी, अब तक 9 महीनों में आई थिंक इनके अराउंड 17 रुपए की ईपीएस है, तो दे शुड क्लॉक अराउंड 23 रुपीज फॉर दिस ईयर, बट अगले 2 वर्षों के लिए मुझे लगता है आई थिंक काफी तगड़ी आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है फॉर ऑल दीज फैक्टर्स। अगर मैं इन इंडस्ट्रीज की बात करूं इन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इटसेल्फ तो उससे एक एडिशनल वैल्यू आती है ओवर एंड अबाउ द मार्केट प्राइस, तो मुझे लगता है एक तगड़ी वैल्यू है इस स्टॉक में, हर एक डिक्लाइन पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको डेफिनेटली देख सकते हैं फॉर द टारगेट एंड पीरियड मेंशन ऑन द स्क्रीन। चलिए, तो 15 महीने का आप लगभग नजरिया दे रहे हैं, 530 का टारगेट, फिनोलेक्स केबल्स आपकी आज की वैल्यू पिक है। इसी नोट पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं स्टॉक फटाफट में। बहुत दर्शकों ने अपने सवाल हमें भेजे हैं, मयूरेश इतनान से सभी का जवाब देंगे। मुंबई से किशोर वैद्य का सवाल लेंगे, सबसे पहले स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में इन्होंने खरीदारी कर रखी है मयूरेश, और 264 इनकी बाइंग प्राइस है, नजरिया का हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन कितना टारगेट आप इन्हें रिकमेंड करेंगे? थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो आई थिंक यहां से भी आई थिंक एक रीजनेबल अपसाइड आ सकती है। स्टॉक ने रिजल्ट्स काफी अच्छे पेश किए थे, 10,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल की मैं जवाब कर रहा था फिनोलेक्स केबल्स के लिए, इनके लिए भी आई थिंक थोड़ी प्राइसिंग कम होगी है चाइनीज और इंटरनेशनल प्राइसिंग की वजह से, बट जैसे इनकी ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन है स्पेसिफिकली सर्विसेज साइड पे थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, बट बिकॉज ऑफ ग्रेटर एग्जीक्यूशन मुझे लगता है रेवेन्यू ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ काफी तगड़ी हो सकती है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, आई थिंक काफी अपसाइड हो सकती है इवन फ्रॉम द करंट। चलिए, तो बने रहे, आपको यही सलाह दी जा रही है। अगला सवाल सूरत से ललिता देवी पूछ रही हैं, और मयूरेश उन्होंने खरीदारी की है फोर्स मोटर्स में, इनकी जो बाइंग प्राइस है 1835 पे बहुत ऊंचे भाव पे खरीदारी कर रखी उन्होंने, और 157.25 रूपये प्रति शेयर घाटे में भी हैं, ये क्या करना चाहिए इन्हें?
नहीं अभी टाइम होराइजन पे है कविता. अगेन लार्जली आई थिंक जो ऑटो इंडस्ट्री का स्लो डाउन है, फोर्स मोटर्स इज नो एक्सेप्शन टू दैट. कहीं ना कहीं आई थिंक जो हमने एक दबाव देखा है रियलाइजेशन प्लस वॉल्यूम लेड ग्रोथ पे, दूसरी तरफ आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट रिलेटेड मार्जिन के ऊपर, आई थिंक ये प्रभाव शायद फोर्स मोटर्स को भी झेलना पड़े अगले कुछ महीनों के लिए. तो अगर लंबा नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक निजी बैंक या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लखनऊ से नितिन त्रिपाठी का लेंगे. टाटा इलेक्सी में खरीदारी कर रखी है और 880 इनकी बाइंग प्राइस है. फिलहाल मुनाफे में है, लेकिन क्या मुनाफा और बढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल आई थिंक जैसे इनका परफॉर्मेंस रहा है स्पेसिफिकली आई थिंक एम्बेडेड सॉल्यूशंस में, और जैसे इनकी आरएनडी अप्रोच है स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस के लिए, यहां पे ऑब्वियसली जेएलआर इज द बिगेस्ट क्लाइंट. कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, आई थिंक वो एक स्टेबल हो सकती है, कोई एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं होती, बट आई थिंक इन लाइन एस्टिमेट्स होते हैं बोथ टॉप लाइन पे, मार्जिन पे और बॉटम लाइन पे. बट आई थिंक एग्जीक्यूशनेबल ऑर्डर बुक, द काइंड ऑफ आरएनडी एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग, आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ को एक स्टेबल पाथ पे रखेंगी. तो अगर एक मीडियम टर्म नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखें. मीडियम टर्म नजरिया है तो आपको और रुकने की सलाह दी जा रही है. दिल्ली से तरुण कुमार का सवाल एचईजी पर है और 3600 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, बहुत ही ऊंचे भाव पर. नहीं, आई थिंक जितना एक इन्होंने एक बेनिफिट्स रीप किए थे पिछले कुछ तिमाहियों में, आई थिंक कहीं ना कहीं नीडल को प्राइसेस मूव हो चुकी है जो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. दूसरा, आई थिंक बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ नीडल को दैट कैन बी एक्सपेक्टेड, यूटिलाइजेशन लेवल्स ऑफ रनिंग द प्लांट्स कैन प्रॉब्ली कम डाउन. तीसरा, आई थिंक जो ये मेथोडोलॉजी ऑफ मेकिंग स्टील, आई थिंक जो यूएचपी है इनका एक प्रोडक्ट ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का, वो स्टील प्राइसिंग कम होने की वजह से वहां पर दबाव देखा है. एचपी रिलेटेड प्राइसेज में हमने क्लियरली देखा है आई थिंक जो चाइनीज डिमांड है उसने पुल डाउन किया है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइसिंग में थोड़ा दबाव है, इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन थोड़े कर्टेल हो सकते हैं. हालांकि आई थिंक विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज, आई थिंक इन्होंने अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर दी है, एंड ऑन अ नेट डेट इक्विटी लेवल आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट कैश रिच. बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेबिलिटी अर्निंग्स में आई थिंक आने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लंपीनेस अर्निंग्स में रह सकता है. तो इधर ही हैज टू कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस टू रिकवर हिज प्राइस, या जैसे मैं पहले कह रहा था, आई थिंक निजी बैंक्स या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज दे प्रॉब्ली लुक अट्रैक्टिव फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और विकास पंडित का सवाल हम लेंगे. कुछ फेसबुक के सवाल भी शामिल किए हैं शो में और इन्होंने सेल में खरीदारी कर रखी है और इन्होंने मेरे ख्याल से 50.90 रूपये के भाव पे खरीदारी कर रखी है. मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक स्टील इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली डोमेस्टिक मेकर्स के लिए, आई थिंक द डिमांड आउटलुक शुड प्रॉब्ली स्टेबलाइज, और जैसे इंप्रूवमेंट दिखेगी मुझे लगता है जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है सेल जैसे, आई थिंक दैट विल डेफिनेटली बेनिफिट. दूसरा, आई थिंक जो प्राइस इंक्रीजेस हमने देखे हैं दोनों फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स में, सेल प्रॉब्ली बेनिफिट्स, क्योंकि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं द परसेंटेज ऑफ दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो हायर एंड हायर. तो अगेन आई थिंक इज द सेम लॉजिक, आई थिंक अगर एक मीडियम टर्म नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके आना चाहिए. ऑलराइट, चलिए इसी के साथ शो को समाप्त करते हैं. मयूरेश, डिस्क्लोजर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल कविता, तो आई थिंक जो स्टॉक्स की हमने चर्चा की, ये स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो, बट जितने हमने स्टॉक्स शो पे डिस्कस किए, शायद हमने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हो, एंड अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स वी डिस्कस वी डेफिनेटली हैव द होल्डिंग इन क्लाइंट पोर्टफोलियो दैट आर इट. शुक्रिया मयूरेश समय निकालकर आज अपनी राय दर्शकों को देने के लिए. कल का बाजार में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन खबरों की तमाम अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए. नमस्कार.